हाय, आज मैं आपको ये डाइनो का ओमेगा एम्पोजर कैसे यूज़ करना मैं दिखाऊंगा। इसमें आप एक्चुअली ये कैरेक्टर्स को इम्पोज करता है और लेबल जनरेट करता है। आप लेबलिंग कर सकते हो किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए या बच्चों के प्रोजेक्ट के लिए। तो ये इस तरह का टेप आता है प्लास्टिक का, जिस 9 mm। इसमें आपको कलर्स भी मिलता है बहुत सारे, ब्लू आता है, ग्रीन आता है, ब्लैक एंड दिस रेड वन। आज इसको कैसे फीड करना है, कैसे यूज़ करना है मैं दिखा दूँगा। सो आपको जस्ट इसके अंदर इंसर्ट करना है और यहाँ रख के हल्का सा प्रेस करना तो फीड हो रहा है। ये यू कैन सी इट कम आउट, आ गया इधर बार। सो इट्स रेडी टू यूज़। थोड़ा ज़्यादा बार आया हुआ है, इसको बाहर आया हुआ तो आपको काटना पड़ेगा। थोड़ा काट लीजिए, यहाँ सीज़र का आप देख सकते हो, सीज़र है तो हार्ड प्रेस करिए, कट गया। और एक हल्का सा प्रेस दीजिए ताकि जो नेक्स्ट कैरेक्टर प्रिंट हो तो थोड़ा बहुत स्पेस रहे। तो आप वो अभी जस्ट कुछ भी टाइप कर सकते हो, जैसल टाइप माय नेम। आपको यहाँ पे अल्फाबेट और न्यूमेरिक दिख रहा होगा, सो वट एवर यू वॉन्ट आपको यहाँ पर लेके आना पड़ेगा उस कैरेक्टर्स को। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई ब्रॉट एस, और हार्ड पंच करिए इसको, देन सेलेक्ट अदर कैरेक्टर, जो भी कैरेक्टर चाहिए आपको उसको सेलेक्ट करिए, हार्ड प्रेस करिए, फिर एक और कैरेक्टर हार्ड प्रेस करिए, देन वन मोर कैरेक्टर प्रेस हार्ड। फिर बाद में सीजर के पास लेके आइए इसको, ग्रेट सीजर, एक हल्का प्रेस दीजिए ताकि थोड़ा स्पेस आ जाए, देन हार्ड प्रेस, कट हो जाएगा। एक कट होने के बाद यहाँ से थोड़ा सा कटा हुआ आएगा, सो इट विल बी ईजी टू पील, इसको पील करके चिपकाने के लिए। तो आप देख सकते हो एम्बोज हो चुका है, एम्बोज हुआ है। तो आपको जस्ट पील करिए, और आप इसको कहीं पे भी चिपका सकते हो। ना बैटरी की ज़रूरत है, ना कोई पावर की ज़रूरत है इसके लिए। बहुत छोटा सा हैंडल है और ये बहुत काम आएगा बच्चों के लिए।